हर साल की तरह इस साल भी कमरुल इस्लाम फाउंडेशन के जरिए गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम की जानिब से दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज की गई थी। गुलबर्गा शहर में यह दावत इफ्तार मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के जरिए शुरू की गई थी, जिसमें हर साल कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के अलावा तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, दरगाह के सज्जादगाह, स्वामी और हर मजहब के लोगों को कमरुल इस्लाम इस दावत में इन्वाइट कर भाईचारगी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया करते थे। कमरुल इस्लाम के बाद इस सिलसिले को गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम बरकरार रखे हैं। इस साल भी 25 रमजान को एन बैंकुट फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लोकसभा कैंडिडेट राधा कृष्णा दुड्डमणि, मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, एमएलए आलमप्रभु पाटिल, बीआर पाटिल, एमवाई पाटिल, तिप्पन्ना कमकनू, डॉक्टर सैयद मुस्तफाल हुसैनी साहब, डॉक्टर सिराज बाबा साहब, वसीम बाबा साहब, निजाम बाबा साहब, बाखर हुसैनी साहब और डॉक्टर अप्पा राव, देवी मुत्या महाराज, मोती शेर, जनाब आलम खान, बाबा नजर मोहम्मद खान, मजर आलम खान, वाहिद अली फातेह खानी, नईम खान, अहमरुल इस्लाम और दीगर तमाम कांग्रेस पार्टी से कॉरपोरेटर्स, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स और हजारों की तादाद में लोग यहां शिरकत किए थे। तमाम लोगों ने मोहतरमा कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम को दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज कर भाईचारगी का पैगाम देने पर मुबारकबाद पेश किए हैं और फराजुल इस्लाम ने आखिर में सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. यहाँ पे बेरोजगारों को इत्तेहार ये रमजान के पाक महीने में ये इत्तेहार देना एक बहुत अच्छी बात है। रोजगारों का इफ्तार बहुत ये रमज़ान के पाक महीने में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हमेशा नमाज रोज़ा, ज़कात और हज ये बहुत चार अहम चीज़ है इस्लाम में, और यहाँ पे हम सब ये इफ्तार में शामिल हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहतरमा एमएलए कनीस फातिमा जी को, आज उन्होंने रोजगारों के लिए ये जो इफ्तार यहाँ से दिया है, मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फराजुल इस्लाम साहब और मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा का को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कमरुल इस्लाम साहब जिस तरह पूरे गुलबर्गा में एक हिंदू और मुस्लिम दोनों दोनों रिलीजन्स को एक मिलाकर दोनों के मशायखीन और उधर स्वामी होते हैं, सबको एक स्टेज पर लेके आकर एक हमेशा मिसाल पेश करते थे, तो वो मैडम ने उसको आज कंटिन्यू रखा है। हर साल इफ्तार पार्टी होती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उसका सवाब कमरुल इस्लाम साहब को दे और फराजुल इस्लाम साहब को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद इफ्तार की दावत की कामयाबी के लिए। वर्षकोमे तिंगल पर्यतवा नड़ीतकंथ रमजान हब्बद निमित्त कलबुर्गी महानगर ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಬ್ಬ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಹಬ್ಬ, ಅಲ್ಲನ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಬ್ಬ. ಈ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುವ ತನಕ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. आज हमारे गुलबर्गा के एमएलए कनीस फातिमा जी आज 25वां रमजान के दिन हमको यहाँ पर बुलाए हैं और हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई धर्म मजहब जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं है, सब मिलके यहाँ पर वो दावत में हम लोग आए हैं और आज अभी 11 तारीख को रमजान होने वाला है, एक खुशी की मौका है। ऐसे प्यार मोहब्बत से सब लोग हम जिए और आगे आने वाले दिन में एक भाईचारे के वातावरण फैलाए ये हमारा इरादा है, इसलिए
मैडम खनीस फातिमा को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये अच्छे मौके पे उनको हमको बुलाए। आज गुलबर्गा का शहर का नॉर्थ और साउथ का पूरा सब मेहमान लोग आके हम अटेंड हो गए, एमएलए एमएलसी और मिनिस्टर सा हम अटेंड हो गए है। और खनीस फातिमा मैडम और चेयरमैन रेशमी मंडली का और गुलबर्गा नॉर्थ का शासकीयों का नेतृत्व में बहुत बड़ा अच्छा जुलूस हो गया है। ये रमजान का ईद बहुत पवित्र का दिन है, ये दिन में हम क्या मांगते मांगते भगवान को वो पूरा हो जाता है। आगे का चुनाव में भी खनीस फातिमा मैडम का नेतृत्व हम चुनाव लड़ रहे हैं और गुलबर्गा में पहली फर्स्ट लीड आ रहा है। आगे खनीस फातिमा मैडम कर्नाटक राज्य में एक मंत्री पदवी स्वीकार करने तो बोल के मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज 25वें रोज़े को यहाँ एएन बैंकेट पर हमर इस्लाम फाउंडेशन के नाम से यहाँ पे इफ्तारी और ताम का इंतज़ाम किया गया था। जैसा कि गुलबर्गे की आवाम जानती है, हर साल हमर इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से जो है ना बड़े पैमाने पर इफ्तार और ताम का इंतज़ाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना हज़ारों की तादाद में आज लोग यहाँ पे इफ्तार और ताम करे हैं, जिसमें जो है ना यहाँ पे गुलबर्गा से जो कैंडिडेट है कांग्रेस के राधा कृष्णा साहब और डॉक्टर शरम प्रकाश पाटिल साहब और एम आई पाटिल साहब और आलम प्रभु साहब और तमाम जो है ना यहाँ पे जो है ना गैर मुस्लिम भाई भी आकर यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो हमर इस्लाम साहब सालों से जो है ना इस फाउंडेशन को और इफ्तारी का जो है ना इंतज़ाम करते हैं उसी को सिलसिला जारी रखते हुए 5 साल से फराजुल इस्लाम साहब भी जो है ना इसको भरपूर तो उसी तरीके से जो है ना लेकर चल रहे हैं और कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही लोगों से जो है ना मिलजुल कर तमाम लोगों को जोड़कर हमर इस्लाम साहब के जो है ना बताए हुए रास्ते पर जो है ना वो भी जो है ना बखूबी चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम की जो है ना मैं बहुत बहुत जो है ना फराजुल इस्लाम साहब को जैदुल इस्लाम साहब को और अहमर उल इस्लाम साहब को तमाम जो है ना पार्टी के जिम्मेदार को और हमारे एमएलए कनीस फातिमा साहब का जो है ना मैं तमाम गुलबर्गे के यहाँ लोगों के इफ्तारी पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हर साल की तरह इस साल भी एन बैंक्वेट में मोहतरमा खनीस फातिमा साहिबा रुकने असम्बली गुलबर्गा नॉर्थ वो चेयरमैन सिल्क बोर्ड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जनाब फराजुल इस्लाम साहब की निगरानी में एन बैंक्वेट में इफ्तार और ताम का अहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में रोज़गार शामिल हुए। और साथ ही साथ इस दावत की खसूसियत ये होती है कि इस दावत में हर धर्म के हर समाज के हर मकतबे फ़िक्र के लोग इस दावत में आते हैं और अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक़ का सबूत देते हैं। इस दावत के बानी अलहाज खमरुल इस्लाम साहब मरहूम क़ायद ने इसकी बुनियाद रखी और इस दावत के ज़रिए से तमाम मजहब के लोग तमाम मसलक के ज़िम्मेदारान आकर इत्तेहाद का सबूत देते हुए भाईचारगी का सबूत देते हैं, जो हमारे मुल्क की तहजीब है, और सेकुलरिज्म का सबूत देते हैं। तमाम शहरियान गुलबर्गा को रमज़ान के मौके पर और इस इफ्तारी की दावत पर मैं दिल की मुबारकबादी देता हूं और तमाम आवाम नास का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस दावत इफ्तार को जो हर साल अमरुल इस्लाम साहब मरहूम की तरफ से शुरू हुई थी उसमें शिरकत की कसीर तादाद में और तमाम लीडरान का कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का मुहिब्बान खमरुल इस्लाम साहब का भी मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने यहां पे आई और इज़्ज़त बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह खमरुल इस्लाम साहब जो दावत इफ्तार और ताम का प्रोग्राम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह आज भी उसी तरह और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इफ्तार और ताम का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। तमाम लोग जो आए हैं हमारे आर के साहब हैं, शन प्रकाश पाटिल साहब है, एम वाई पाटिल साहब है, बी आर पाटिल साहब है, हमारे आलम प्रभु साहब है, जगदेव गुत्तेदार साहब है और तमाम लीडर्स जो आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मेरी आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बुलावे पे तमाम लोग हमारे एक दावत पे तमाम लोग इतने लोग यहाँ पर आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों का आगे भी सपोर्ट रहना।
जैसा कमरुल इस्लाम साहब के साथ था, हमारे ऊपर भी सपोर्ट रहना। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए काम करेंगे। मुस्तफ़ा बाबा भी आए थे, तमाम सज्जादगान, सिराज बाबा साहब भी आए थे, तमाम सज्जादगान जो आए थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वामी साहब भी आए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम मेरी आवाम का, कमरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से अलहमदिल्ला तमाम लोगों ने यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया था। और तमाम लोगों का, मरकजी सीरत कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम गुलबर्गा के जितने भी हमारे साथ हमारे जुड़ के काम किए थे, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और स्पेशली मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग आए, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवरेज किया, और इंशाल्लाह आगे आगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे बड़े पैमाने पे करने का हमारा इरादा है। आपका सपोर्ट चाहिए। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open. Contact for details.